नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। G20 के लिए भारत में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी आज पहुंचने वाले हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लॉयड से बात की NDTV ने। मार्गरेट बहुत अच्छी हिंदी भी बोलती हैं, सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार। G20 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब बस घंटे गिने जा रहे हैं कि कितनी देर में अब निगोशिएशन शुरू होते हैं, समिट शुरू होता है, शिखर सम्मेलन शुरू होता है। जो डिग्निटरीज हैं उनका आना शुरू हो चुका है और अब 8 तारीख को सभी लगभग आ जाएंगे और उसके बाद शिखर सम्मेलन शुरू होगा और एक तरह से ये उत्सव का सा माहौल हो गया है। मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ, मेरे साथ मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह हैं और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए, इस G20 समिट पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ मार्गरेट मैक्लाउड जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं, हिंदुस्तानी प्रवक्ता हैं अमेरिकी विदेश मंत्रालय की। मार्गरेट आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मार्गरेट, काफी बड़ा आयोजन है और कई जगह ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल अलग रंग है इस G20 का, भारत ने बिल्कुल इसको अलग रंग दे दिया है, आपको लगता है ऐसा? सच है कि भारत अपना स्वाद दे दिया G20 को और अपने सिकाफत, अपनी संस्कृति को दुनिया को दिखा रहे हैं जी। और व्हाइट हाउस का जो बयान आया था जब राष्ट्रपति बाइडेन की यात्रा को से जुड़ी हुई जो जानकारी आई थी, उसमें ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री से जब वो मिलेंगे राष्ट्रपति बाइडेन, तो G20 की जिस तरह से अध्यक्षता भारत कर रहा है उसकी तारीफ करेंगे। इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डाल सकते हैं कि क्या कुछ अमेरिका को अच्छा लगा है जिस तरह से भारत ने ये? जरूर, हम समझते हैं कि इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के हैसियत से अपना आवाज उठा रहे हैं और बहुत अच्छी जिम्मेदारियां लेकर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये है बल्कि हम देखते हैं कि जब मिनिस्टेरियल्स में कुछ कशीदगी हुई या पूरे 20 मुमालिक सहमत नहीं कर सकते थे, आपने चेयरमैन स्टेटमेंट्स में इंडियन चेयरमैन बहुत अच्छी से वो डिस्कशन कैप्चर करके इंटरनेशनली अग्रीड लैंग्वेज इस्तेमाल करके मुख्तलिफ नुक्ते नज़र, पसमंजर और दृष्टिकोण अच्छे से इजहार किया। लेकिन कई अभी तक जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें कंसेंसस जिसको कहते हैं वो इल्यूसिव रहा है, नहीं निकला है। तो अमेरिका जो है उसने कहा है कि हम अभी जो देख रहे हैं वो शायद मुश्किल हो। जेक सलीवन ने कहा है कि मुश्किल होगा कंसेंसस। तो आपको लगता है कि मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, क्योंकि हालात बहुत बदल गए हैं जब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी G20 के और अब? मुश्किल तो है लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि नामुमकिन है और हमारी काफ़ी आशा है कि इस शिखर सम्मेलन में हम बात करके दुनिया के सबसे भरे मुश्किलात, चुनौतियाँ के बारे में बात कर सकते हैं, खास करके वैश्विक गुरबत और कैसे युद्ध और जंग आर्थिक क्षेत्र में असरात पड़ते हैं। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं कि ना रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं ना चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं और लगातार एक चीज़ ये भी कही गई थी पहले कि बाली डिक्लेरेशन जो था G20 का वैसा ही हुआ हो सकता है, लेकिन अब इस पर रूस तैयार नहीं है। आखिरकार कौन कौन प्रतिनिधि के तौर पर भेजे वो तो हर एक देश का फैसला है। जो भी प्रतिनिधि चीन और रूस भेजे उनके साथ हम काम करना चाहते हैं। जब आप कह रहे हैं कि सूरत हाल बदल रहे, मैं इस मिसाल देना चाहती हूँ उदाहरण के तौर पर कि देखिए, रूस ना सिर्फ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से निकल गए जिसके तहत यूक्रेन अपने अनाज निर्यात कर सकते थे, बल्कि उनके अनाज के गोदाम पर ही हमला किया करते हैं और ये तो वैश्विक मंदी पर असरात पड़ती है और अनाज की महंगाई में कौन नुकसान पहुंचाते हैं? दुनिया के गरीब तरीन लोगों है। लेकिन मैक्लॉड जी, एक दूसरा पहलू भी है इसका। रूस का ये कहना है कि जो ग्रेन डील से वो निकला वो इस वजह से निकला
क्योंकि उसके हित का जो की जो बात थी वो नहीं हो रही थी, उसके फर्टिलाइजर्स, उसके ग्रेन्स को नहीं जाने दिया जा रहा था, जिस तरह की पाबंदियां उस पर लगी है। क्यों मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि कभी भी कोई समझौता होता है तो दोनों पक्षों को एक एक कदम पीछे खींचना होता है, तो रूस भी अपनी मांग पे अड़ा हुआ और G20 कहीं ना कहीं दो खेमों में बट गया है। रूस के बातों से मुतफिक नहीं है, क्योंकि हमारे पाबंदी जो रूस पर है वो ह्यूमैनिटेरियन आइटम्स पर कोई ताल्लुक नहीं है। आपको लगता है कि G20 में एक जो जॉइंट कम्युनिके होगा वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसके अलावा आउटकम्स कुछ बड़े होंगे? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद आउटकम्स की नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इंटेंट अच्छा है ये समझना चाहिए। हाँ ज़रूर, अमरीकी लक्ष्य जो जिसके साथ हम हमारे ऊंचे से ऊंचे सिते के शिरकतदार आ रहे, हम जलवायु परिवर्तन के बारे में एम्बिशन और बढ़ाना चाहते हैं सब पार्टिसिपेंट्स के साथ, और हम अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं के वसायल भी बढ़ाना चाहते हैं। डेट रीस्ट्रक्चरिंग, लोन सिस्टम, ये इन सब पे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? जी हाँ। और G20 के साथ साथ जो बायलेटरल है वो भी काफ़ी अहम है, और काफ़ी लोगों की निगाह इस बात पे है कि जब जो बाइडन यहाँ पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात करते हैं, जो मोदी अभी जून में ही गए थे अमेरिका, काफ़ी अच्छी बात उस समय भी हुई, तो बायलेटरल से क्या आउटकम निकलने की आपको उम्मीद है, या क्या आप सोचती हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये बायलेटरल जो है एक अच्छा नतीजा देकर जाए? हाँ, जाहिर है कि अमेरिका और इंडिया के संबंध जो है वो बेहतर से बेहतर होती रहती है, और हमारे तावन बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के आबादी, उनके ज्ञान, उनके एनर्जी और यूथ, वो तो हम वो ताकत तो जाहिर है, और हम इंडिया के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। एक जो एक लेगेसी हमें लगता है कि भारत जो है अपना इम्प्रिंट, अपनी छाप जो है वो इस पर छोड़ेगा G20 की बैठक पे, वो तब होगा अगर अफ्रीकन यूनियन जो है एक हिस्सा बनता है, 21 हो जाता है, अमेरिका इसको सपोर्ट करता है, और क्या अमेरिका को लगता है कि इससे बहुत कुछ बदलेगा, एक पावर बैलेंस जो है वो थोड़ा सा बदलेगा? हाँ, मैं उस फैसले के बारे में कोई खास ऐलान नहीं है इस समय पे, बल्कि मैं यही कहूंगी कि हम समझते हैं कि G20 एक प्रीमियर फोरम है जिसमें दुनिया के सबसे भारी उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था एक साथ बैठकर दुनिया के सबसे बड़े मसला के बारे में बात करके सभी ढूंढ सकते हैं। और हम समझते हैं कि आजकल की दुनिया में ऐसा मसला काफी है जो कोई एक मुल्क अपने आप से हल नहीं कर सकते। चलते चलते आपसे एक सवाल कि अमेरिका ने किस तरह से हिंदी की अहमियत को समझा है, और हिंदी के स्पोक्स पर्सन को जो है इस काम पे लगाया है कि हिंदी के जनमानस तक, आप उर्दू का भी शब्द बहुत इस्तेमाल करिए, तो हिंदी उर्दू के जनमानस तक पहुंचा जाए, ये किस तरह से उसको एहसास हुआ? जी, ऐसा करना चाहिए। हिंदुस्तानी बोलने वाले लोग कई लाख है, अभी इंडिया सबसे बड़ी जनसंख्या के देश है, और अमरीकी सरकार हिंदुस्तानी बोलने वाले लोगों को बराह रास हमारे नीति समझाना चाहते हैं। आप मतलब हमें कितना अच्छा लग रहा है, हमारे दर्शकों को कितना अच्छा लगेगा कि आप हिंदी में बोल के समझा रही हैं अमेरिकी सरकार का नजरिया यहाँ पर, ये काफी सीधे भारतीय जनमानस अच्छी बात है। बात पहुंचेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मार्गरेट हमसे ये साफ गोई से बात करने के लिए, और लगातार आपको इसी तरह से हम G20 के बारे में, अमेरिका के बारे में, जो यहाँ पर होता है, बाकी देश क्या करते हैं, और भारत क्या कुछ कर पाता है G20 में, इस पर लगातार आपको हम खबरें देते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार। तो ये थी अमेरिका की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, और आगे बढ़ते हैं। G20 समिट की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार है और मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, आज शाम तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का यह पहला भारत दौरा है। प्रधानमंत्री कार्यालय सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत आज होगी। इसके अलावा बांग्लादेश और मॉरिशियस के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की संभावनाएं हैं।
और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बारे में ट्वीट किया, कहा है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच G20 में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। अमेरिकियों की प्राथमिकताओं पर प्रगति करने, विकासशील देशों के लिए काम करने और G20 को एक ऐसे मंच के रूप में अपनी प्रतिबद्धता दिखाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो कि काम करता है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, कादम्बिनी शर्मा और उमाशंकर सिंह, जो लगातार G20 समिट पर निगाह बनाए रखेंगे। कादम्बिनी, पहले आपका रुख करते हैं, G20 समिट के अगर थीम की बात की जाए तो भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। पूरे दो दिन तक, कल और परसों ये समिट चलेगा, एजेंडा क्या रहने वाला है दो दिन, और साथ ही कुछ देशों के साथ हमारी बायलेटरल टॉक्स भी है, उससे क्या कुछ उम्मीद रखी जाए? देखिए जया, करीब एक साल से लगातार बैठकें हो रही हैं और आज जो है उसका कल्मिनेशन जिसको कहते हैं वो है शिखर सम्मेलन है, यानी कि सभी जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं जो आ सकते हैं वो आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं उनके नाम हम जानते हैं, लेकिन जो सारे नेगोशिएशंस वगैरह हुए हैं उसके बाद यहाँ पर एक फाइनल उसको एक प्रारूप देकर उसको प्रेजेंट किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि एक आउटकम उसका होगा, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा जिसमें कम से कम ये साफ होगा कि आगे जो ये सारे विकसित देश और विकासशील देश जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं वो आगे के आर्थिक रोड मैप को कैसे देखते हैं, जो इतनी सारी चुनौतियां हैं पूरे विश्व के सामने, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मसला हो या फिर जो डेट चैलेंज हो या फिर बाकी जो मामले हो, जिस तरह से यूक्रेन रूस युद्ध के बाद जो स्थिति बनी हुई है, फूड सप्लाई चेन्स, बाकी सप्लाई चेन्स जो अफेक्टेड हैं, उस सब पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा वो एक फैक्टर है जिसमें देखना होगा कि क्या होता है। अफ्रीकन यूनियन के लिए भारत जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि वो शामिल हो जाए, उसकी एक आवाज़ हो, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर भारत उभरा है, तो ये सभी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और बायलैटरल्स जो हैं ऐसे समिट्स जब होते हैं तो उसमें बायलैटरल जो नेता आ रहे हैं वो भी दूसरे नेताओं के साथ करते हैं, और जो भारत के साथ बायलैटरल्स हैं वो भी कई बायलैटरल होंगे जो पीएम मोदी करेंगे, जिसमें से अहम आज जो है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ है और भी कई बायलैटरल हैं। वहाँ जी देखिए, सबसे उमा, एक सवाल मेरा आपसे ये था, पूरे साल जो 60 से ज्यादा शहरों में जो 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई और जिस तरह से जो शेरपाज हैं G20 देशों के उन्होंने बैठक की और आम सहमति बनाने की बात की जैसा कि कादम्बिनी बता रही थी, तो उन सब बातों पे क्या सहमति बनी है वो तो अहम है ही। बायलेटरल की जहां तक बात है तो अमेरिका के साथ जो बायलेटरल है काफी अहम होने जा रहा है। जब जो बाइडेन ने वहां से उड़ान भरी अमेरिका से, उसके बाद जो अमेरिकी मीडिया को ब्रीफ किया गया उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जीई जेट इंजन, उसके अलावा MQ-9 रिपर्स जो ड्रोन है, 5G 6G कोलैबोरेशन ऑन इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सिविल न्यूक्लियर एरिया में, इन सब मुद्दों पर अहम चर्चा होगी और बात आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जून में ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और उसी तरह से एक फॉलो अप जो है एक उन विषयों का होगा जिन पर अमेरिका में लंबी चर्चा हुई। दूसरी जहां तक बात है, चीन इसमें शामिल नहीं हो रहा, रूस के राष्ट्रपति इसमें नहीं आ पा रहे, तो इससे एक ये अंदेशा बना कि शायद इसका शैडो इस पर आएगा, लेकिन ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बेशक इन दोनों देशों के जो प्रमुख हैं वो नहीं आ रहे हों और कुछ और देशों के प्रमुख नहीं आ पा रहे क्योंकि कुछ की तबीयत भी खराब है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके शेरपाज हैं, वो लगातार नेगोशिएशंस में शामिल रहे हैं और एक आम सहमति तक पहुंचने की अलग अलग मुद्दों पर, खासतौर पर आर्थिक मुद्दों पर एक कोशिश जो है लगातार चलती रही है। तो ये जो कल और परसों जो शिखर समिट होगा उससे पहले आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुंच रहे हैं और जो बाइडेन भी आज शाम को यहाँ पहुंचे हैं। और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है जया, वो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बायलैटरल्स आज हो रहे हैं, आपने अब तक जो देखा होगा पीएम मोदी के साथ जो बायलैटरल होते थे वो हैदराबाद हाउस में होते थे, लेकिन इस बार जो है वो LKM यानी कि प्रधानमंत्री निवास पर हो रहा है। ये अपने आप में बेहद अनयूजुअल है, लेकिन जो अभी दिल्ली जो जिस तरह से एक किलेबंदी की गई है, सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं उन सबको देखते हुए यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री के घर पर ये बायलैटरल्स होंगे, चाहे शेख हसीना के साथ हो या फिर जो बाइडेन के साथ हो, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जय, बिल्कुल, ये एक अहम जानकारी आपने दी है कादम्बिनी। कादम्बिनी, आप और उमा दोनों इस पर भी रोशनी डाले कि G20 में 19 देश है और यूरोपीय यूनियन है,
जब इसकी शुरुआत हुई विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस बार ये समिट रूस और यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में हो रहा है, तो आप ये बताएं कि अभी तक के अपने मकसद को पाने में G20 कितना कारगर रहा है और इस बार के समिट से क्या कुछ संभावनाएं हैं? देखिए इस पे काफ़ी डिवाइडेड व्यू है, क्योंकि कई जानकार ये मानते हैं कि G20 जिसमें सारे विकसित देश हैं और कई विकासशील देश हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया है। कई जानकारों से मेरी बात हुई, उनका ये भी कहना है कि अभी का जो G20 है उसमें भले ही कोई सर्वसम्मति ना बने, कोई कॉन्सेंसस ना बने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें इंटेंट क्या है, क्या इंटेंट ऐसा है, क्या नीयत ऐसी है कि हम सबको साथ लेकर चलें और जो एक आर्थिक रोड मैप है वो पूरे विश्व के लिए वैसा हो जैसा होना चाहिए। चैलेंजिंग वक्त है, जैसा कि शायद पिछले 100 साल में नहीं हुआ। हमने एक पैंडेमिक फेस किया है जिसमें पूरी दुनिया बंद हो गई, उसका असर हम अभी तक देख रहे हैं, चाहे वो सप्लाई चेन्स की बात हो, चाहे खाद्यान्न संकट की बात हो, और भी जो हालात खराब हो गए हैं वो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हैं, जो कि किसी ने नहीं सोचा था कि इस वक्त में 2023 में एक युद्ध इस तरह का हो सकता है, लेकिन हो रहा है। उसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है, चाहे वो दुनिया के एक कोने में हो रहा हो, लेकिन उसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। तो जरूरी यह है कि जो पहले हुआ उस पर कहीं बिल्ड करके आगे कैसे चलेंगे, ये अहम है। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक G20 बनाने के पीछे की मकसद की बात है, तो जो 1997 में जो आर्थिक संकट आया था उसके बाद इसको एक इनफॉर्मल ग्रुप की तरह बनाया गया था, लेकिन 2007 में जो दूसरा वैश्विक आर्थिक संकट आया उसके बाद दुनिया के देशों को लगा कि राष्ट्र प्रमुखों के स्तर पर ही एक समन्वय बनाकर इस तरह के आर्थिक संकटों से निपटा जा सकता है। तो आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है अलग अलग देशों की, उसके बीच में सहयोग के लिए जो फोरम बना, उसके बाद उसमें बहुत सारे जो चुनौतियां हैं वो ऐड ऑन होती गई। और जैसा कि अभी जिक्र किया कादम्बरी ने कि जो यूक्रेन युद्ध है वो एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, और इस वजह से G20 के जो देश हैं वो दो खेमों में बटे नजर आते हैं, एक तरफ अमेरिका है और पश्चिमी देश हैं, दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश हैं, और खींचतान इस बात को लेकर है कि आखिरकार यूक्रेन को लेकर क्या बात ऐसी हो। जहां तक अमेरिका का कहना है वो कह रहा है साफ तौर पर कि कोई समझौता नहीं होगा। रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि एक आर्थिक फोरम है तो बातचीत सिर्फ जो है वो आर्थिक आधार पर ही हो, आर्थिक सहयोग की बात हो, जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उसमें ना घसीटा जाए, तब जाकर कोई सहमति बन सकती है। तो एक चुनौती निकलकर सामने आई है, लेकिन भारत ने जिस तरह से डेवलपमेंटल एजेंडे पे फोकस रखा है G20 का, उसको लेकर काफी उम्मीद है, और यही एक उम्मीद है कि जो आर्थिक सहयोग की जो बात है जिसके लिए ये फोरम बना है उस पर बात आगे बढ़ेगी, और यही कंटेंट की बात जो कि कादम्बरी ने किया है। और इम्पोर्टेंट इसमें यह भी है जया उमा कि जो भारत का प्रेसिडेंटशिप है, जो भारत की अध्यक्षता है, वो अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत जो है वो किसी खेमे के साथ नहीं है, भारत जो है वो सबके साथ है। भारत ये कोशिश कर रहा है कि चाहे वो अफ्रीकन यूनियन हो या फिर ग्लोबल साउथ हो या फिर बाकी जो देश हो, उनको इस तरह से कोई नुकसान न पहुंचे और एक ऐसे कंसेंसस पर पहुंचा जाए, एक ऐसे समझौते पर पहुंचा जाए जिससे कि इस युद्ध के कारण जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल देश है वो सफर ना करें, और ये रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत की ये भूमिका। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, और G20 समिट जो है उसके पीछे के मकसद और इस तरह के समिट से क्या कुछ संभावनाएं वैश्विक स्तर पर निकलकर उभर कर आ सकती हैं, इस पर गहन चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। 9 और 10 सितंबर को होने जा रहे इस सम्मेलन के लिए जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए दिल्ली के एक बड़े इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। DRDO के काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी दिल्ली के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में तैयार कर दिया गया है। काउंटर ड्रोन सिस्टम में ड्रोन्स का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने की क्षमता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। दिल्ली के राजघाट इलाके में दिल्ली पुलिस के जवान ट्रैक्टर पर सवार होकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यमुना में पुलिस के जवान बोट के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये आप मैप के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 तारीख यानी आज शुक्रवार के दिन सुबह 5 बजे से किस तरह से यहाँ पर कुछ एरिया जो इलाके हैं वहाँ पर किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप मैप के जरिए समझ सकते हैं। नई दिल्ली में सुरक्षा के हिसाब से आज कई जगहों पे बैरिकेड लगाया गया है और ये बैरिकेड इसलिए लगाया गया है क्योंकि G20 समिट के लिए जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, जो व्यवस्था किया गया है, उसमें जो लोग हाई सिक्योरिटी एरियाज़ में जा रहे हैं उनके चेकिंग होंगे, उनके IDs चेक होंगे पुलिस द्वारा और उनको बताना पड़ेगा कि वो क्यों जा रहा है। अगर आप जैसे कि ऑन ड्यूटी ऑन एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई पावर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनको ऑब्वियसली जाने दिया जाएगा, लेकिन पुलिस पूरा जो डिटेल्स है चेक करके ही आपको जाने देंगे। ये ज़रूर हमको इन सुबह की तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पुलिस लगाई गई है हर जगह पे, बैरिकेड्स भी है हर जगह पे और चेकिंग भी हो रहे हैं। और कोई कहाँ जा रहा है, अगर कोई एयरपोर्ट जा रहा है, कोई रेलवे स्टेशन जा रहा है तो उनके पास ज़रूर टिकट होंगे, कोई काम पे जा रहा है तो कहाँ काम करते हैं उनको डिटेल में पूछा जाएगा, क्यों जा रहा है। तो ये सारे चीज़ें आज और कल के लिए दिल्ली वालों को समझना पड़ेगा क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी इवेंट है। हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, पुलिस तैनात है हर जगह पर और चेकिंग भी हो रहे हैं और हर जगह ये चेकिंग इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो G20 समिट का सुरक्षा व्यवस्था है उसका एक हिस्सा है। गाड़ियों को रोका जा रहा है, मोटरबाइक में जो आ रहे सवारी उनको भी रोके जा रहे हैं, चेकिंग हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पूछे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं पूछे जा रहे हैं। और पुलिस की जो एक डिप्लॉयमेंट है तैनात किए गए हैं वो ज़रूर आपको सामने, इमरजेंसी सर्विसेज जो है उन पर कोई रोक नहीं है। आप देखिए ये जो पुलिस की गाड़ियां हैं या जो इमरजेंसी सर्विसेज व्हीकल्स हैं उन पे कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कोई ऑटो में जा रहे हैं तो ज़रूर पूछे जा रहा है कहाँ जा रहा है, क्यों जाना है, कहाँ जाना है। और इसीलिए आपको शायद आपके जो गंतव्य स्थल हैं वहाँ पहुँचने में आपको कुछ समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। और ये आज G20 का जो सुरक्षा का प्रोटोकॉल है उस हिसाब से यहाँ पे पुलिस और बैरिकेडिंग और चेकिंग हो रहे हैं। तो आपने देखा कितने कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं और रात में दिल्ली में स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। दिल्ली पुलिस लगातार रात में पेट्रोलिंग कर रही है। स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि सुरक्षा इंतजाम बेहद कड़े हैं, बॉर्डर और संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, G20 शिखर सम्मेलन जो हो जा रहा है उसमें जो डिनर के लिए निमंत्रण भेजा जाता है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं भेजा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर ने न्योता न मिलने की जानकारी दी है। आपको बता दें राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी है और राज्यसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी है, बावजूद उनको न्योता नहीं भेजा गया है। ये एक बेहद हैरानी की बात है। हालांकि इस पर क्या कुछ बात आगे निकलकर आती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई है। एक तरफ G20 समिट का थीम वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरा पृथ्वी हमारा कुटुंब परिवार है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको न्योता डिनर का यहां पर G20 के लिए नहीं भेजा गया है।